और एनआरसी को लेकर लगातार देश भर में हंगामा जारी है। इसी बीच नागरिकता संशोधन कानून पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बसपा प्रमुख मायावती ने जमकर हमला बोला है। मायावती ने अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार देने को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी को जब बीजेपी सरकार नागरिकता व पद्मश्री से भी सम्मानित कर सकती है, तो फिर जुल्म ज्यादती के शिकार पाकिस्तानी मुसलमानों को वहां के हिंदू, सिख, ईसाई आदि की तरह यहां सीए के तहत पनाह क्यों नहीं दे सकती है? अंततः केंद्र सीए पर पुनर्विचार करे तो बेहतर होगा। बता दें कि जब से अदनान सामी को सरकार ने पद्मश्री सम्मान देने का ऐलान किया, तब से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। विपक्ष भी अदनान को अवार्ड दिए जाने के पक्ष में नहीं था और इसका लगातार विरोध कर रहा था। कई जगह से तर्क दिए जा रहे हैं कि अदनान के पिता ने पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ जंग लड़ी थी, इस वजह से उन्हें ये सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। पिता का नाम घसीटे जाने पर अदनान ने कहा कि उन्हें इन सब चीजों से थोड़ी मायूसी भी हुई है और हंसी भी आ रही है। अदनान ने कहा कि मेरे पिता एयरफोर्स में थे, मेरे पिता वॉर हीरो थे, पाकिस्तान की तरफ से 1965 में भारत के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी थी, उन्होंने अपने देश के लिए काम किया और मैं उनके लिए प्राउड फील करता हूं। मगर अवार्ड के संदर्भ में मेरे पिता को घसीटने का कोई तुक नहीं है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि पद्मश्री मिलने पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, तो उन्होंने गाना गाकर ट्रोलर्स को जवाब दिया। अगर अपने विरोधियों को आपके किसी, क्योंकि कलाकार के पास तो यही हुनर होता है, अगर आपके किसी गाने में विरोधियों को जवाब देना हो तो क्या कहेंगे? तेरी ऊंची शान मौला, मेरी अर्जी मान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे पैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।